बड़ी खबर हम आपको बता दें कि धनबाद कोयलांचल में लगातार चावल माफियाओं द्वारा गरीबों के अनाज काला बाजारी का मामला सामने आता रहता है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर छापामारी कर माफियाओं पर नकेल कसने का प्रयास भी किया जा रहा है, बावजूद चावल माफियाओं का हौसला बुलंद है। बता दें कि बीते मंगलवार को जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के भुलन बरारी नया धौड़ा बस्ती में एक महिला के आवास से गुप्त सूचना के आधार पर झरिया सीओ परमेश कुशवाहा एमओ रंजीत रंजन ने पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर 22 क्विंटल चावल जब्त किया है। इस दौरान चावल कालाबाजारी में संलिप्त चार युवक को डिगवाडी 12 नंबर काटा घर के पीछे एक आवास से हिरासत किया गया था, जिसे आज मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। आपको बता दें, अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराधियों के साथ पुलिस को अपराधियों की तरह व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा देखने को मिला। चावल मामले में पकड़े गए आरोपी को मेडिकल जांच के बाद पुलिस प्राइवेट स्कॉर्पियो से आरोपी को जेल गेट ले जा रही थी। पुलिस की नजर जब मीडिया पर पड़ी तो प्राइवेट स्कॉर्पियो से आरोपी को उतार कर पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। इस दौरान चावल माफिया संचालक सुशील सिंह ने गुस्साए मीडिया पर और पुलिस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि पुलिस वाले दोषियों को छोड़ निर्दोष को जेल भेजती है। उन्होंने कहा, स्थानीय पुलिस के सहयोग से ही चावल का काला बाजारी हो रहा है, पुलिस उनको नहीं पकड़ती। वहीं जोड़ा पोखर के एएसआई ने बताया कि कल झरिया सीओ परमेश कुशवाहा एमओ रंजीत रंजन ने पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर 22 क्विंटल चावल जब्त किया था। उसी मामले में आज इनको मेडिकल जांच के बाद जेल भेजा जा रहा है। ज्ञात हो कि पूरे झरिया प्रखंड में पीडीएस दुकानदारों का अनाज चावल गेहूं सैकड़ों क्विंटल तस्करी कर बंगाल भेजा जाता है। समय समय पर संबंधित अधिकारी छापेमारी भी की जाती है। मामला तो आप लोग जरा पकड़ थाना गए थे कल को? हाँ, वही पीडीएस का चावल चोरी हुई है, उसी का चावल पकड़े हैं। एमओ साहब लिख के आवेदन दिए हैं, उसको गिरफ्तार किए हैं। एमओ साहब हम लोग जल्द पहुँचा रहे हैं। अभी क्या कुछ यहाँ पे? यहाँ मेडिकल हुआ, मेडिकल के लिए उसका न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। हाँ, कितना क्विंटल चावल पड़ा था? 22 क्विंटल। ठीक नहीं पता है। अच्छा, चावल का धंधा क्या करता है? कृति माता कहता है, जाइए तो पकड़ के दिखाइए। तो किसको नहीं पता है? पूरा थाना को पता है, पूरा थाना बिका हुआ है, पूरा प्रशासन बिका हुआ है, तो उसको किसको नहीं पता है? जो नहीं करता उसको कहीं से उठा करके कहीं डाल दिया जाता है, यही होता है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो पकड़ा है ये निर्दोष है? एकदम निर्दोष है। पुलिस क्या उसके घर से पकड़ाया है? क्या किया है? वो रितेश सिंह का गोदाम है क्या? ये सब झूठा मामला है और कुछ नहीं है। तो क्या पुलिस का जाति दुश्मन है क्या? अब पुलिस का जाति दुश्मन गिरी है कि सीओ का दुश्मन गिरी है? पुलिस तो केस नहीं किया है, केस तो एमओ किया है। केस कौन किया है? प्रशासन थोड़े केस किया है, केस एमओ किया है, सीओ के आदेश पर किया है। सीओ साहब को नहीं पता है? यानी कि आपके हिसाब से जो है जाति दुश्मन, एकदम जाति दुश्मन गिरी नहीं मार। के करता है सबको पता है। आप लोग जो पदभार पे हैं, आप लोग को सब पता है कि कोयला का काम के करता है या चावल का काम के करता है, सबको पता है। ऐसा छुपा हुआ हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग को पता, आप लोग को नहीं पता है? आप लोग को तो एक स्तंभ बोला जाता है, पत्रकार का मतलब कि एक स्तंभ। आप लोग को सब पता है, उजागर कर सकते हैं, कर पाइएगा कोई आदमी तो करके दिखाइए। आपको लग रहा कि हर एंगल से ये आपको मैं पकड़वा दूं? आप दिनोवली मोड़ पर आइए, डेली वहां से 20-40 टन चावल जाता है। क्यों नहीं प्रशासन पकड़ता है? आपको तो प्रशासन को मीडिया का सहयोग करने, सबको बता रहा है, कहाँ पकड़ रहा है? सब तो पैसा ले रहा है, क्यों पकड़ेगा? चलिए मैं तो देखना चाहता हूँ कि तनी पकड़ के दिखा दे तो हम समझ जाएंगे। सुशील सिंह,